नमस्कार दोस्तों, आज हम HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना हो या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हो। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। ये कंपनी एक बहुत बड़ी FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके आसपास हर जगह है। कंपनी के प्रोडक्ट्स आपकी रोजमर्रा जिंदगी में काफी काम आते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलकर करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी की और समझते हैं क्या इस कंपनी में हमें अपने पैसे निवेश करने चाहिए। मेरा नाम है ज्योति और स्वागत है आपका अपने ही चैनल फिनकॉइन के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट काफी बड़ा है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मेजरली तीन कैटेगरीज में बेचती है। पहला है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दूसरा है होम केयर प्रोडक्ट्स और तीसरा है फूड एंड रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट्स। कंपनी को करीब 46% रेवेन्यू ब्यूटी प्रोडक्ट से आता है, 34% रेवेन्यू होम केयर प्रोडक्ट से आता है और 19% रेवेन्यू फूड एंड रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट से आता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कंपनी आज के दिन में 40 से ज्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको 80 लाख रिटेल आउटलेट्स में मिलेंगे। कंपनी के पास आज के दिन में 3,500 से ज्यादा के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी के पास आज के दिन में 28 फैक्ट्रीज और 9 ऑफिसेस हैं। तो दोस्तों, कंपनी का कस्टमर रीच कमाल का है। कंपनी की स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, कंपनी के नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कंपनी की स्टैटिस्टिक्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी की शेयर होल्डिंग कैसी है। कंपनी की 68% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 12% शेयर होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है और बाकी की बची शेयर होल्डिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के पास है। तो दोस्तों, ये तो बात है कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो दोस्तों, कंपनी के MD और CEO है संजीव मेहता। संजीव मेहता ने 1998 में यूनिलिवर ग्रुप ज्वाइन किया था, तब से ये यूनिलिवर ग्रुप से ही एसोसिएटेड है। 2013 में इन्हें कंपनी का CEO बना दिया गया और 2018 में इन्हें कंपनी का MD बना दिया गया। तो दोस्तों, संजीव मेहता की पूरी करियर हिस्ट्री यूनिलिवर ग्रुप से ही एसोसिएटेड है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के कुछ मेजर एक्विजिशंस के बारे में। हाल ही कंपनी ने 2 मेजर एक्विजिशंस किए। पहला है GSK कंज्यूमर बिजनेस। अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने हेल्थ ड्रिंक्स जैसे कि बूस्ट, हॉर्लिक्स, मैल्टोवर जैसे प्रोडक्ट्स एक्वायर कर लिए। मार्केट में ये न्यूज दी थी, ये डील 32,000 करोड़ रुपयों में हुई है। दूसरा है आदित्य मिल्क। आदित्य मिल्क से कंपनी ने आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स के प्रोडक्ट्स एक्वायर कर लिए। दोस्तों, HUL अपने आप में एक आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स में नंबर 1 पे आती है। क्वालिटी वॉल्स, मैग्नम जैसे प्रोडक्ट्स इसी कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने ये 2 मेजर एक्विजिशंस किए। पहला है GSK कंज्यूमर बिजनेस से हेल्थ ड्रिंक्स एक्वायर कर लिए और दूसरा है आदित्य मिल्क जिससे कंपनी ने आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स एक्वायर कर लिए। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में इन दोनों मेजर एक्विजिशन से कंपनी को क्या इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कंपनी के एक्विजिशन के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। आप स्क्रीन पर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। चलिए इसके कंटिन्यूएशन में ही बात करते हैं निफ्टी FMCG इंडेक्स के बारे में। निफ्टी FMCG इंडेक्स यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स 15 कंपनी से मिलकर बना है। इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज ITC को दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है HUL। दोस्तों, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि HUL का शेयर प्राइस जैसे ऊपर या नीचे परफॉर्म करता है, वो निफ्टी FMCG इंडेक्स के परफॉर्मेंस को बहुत इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों, यहां मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निफ्टी FMCG इंडेक्स में भी HUL बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बात करना चाहती हूँ। कंपनी के पास आज के दिन में 18,600 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। ये एसेट्स मेजरली फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज,
इन्वेस्टमेंट्स और बैंक बैलेंस के फॉर्म में। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स मेजरली म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों, कंपनी के एसेट्स काफी अच्छे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, इसलिए कंपनी के पास काफी ज्यादा एसेट्स है। इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी की लायबिलिटीज देखें तो 10,750 करोड़ रुपए की है। कंपनी की लायबिलिटीज करीब 50% है एसेट्स के अगेंस्ट। लायबिलिटीज देखने में काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कंपनी की लायबिलिटीज मेजरली क्रेडिटर्स के फॉर्म में। क्रेडिटर्स जिसे हम ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं, जिसे हम सप्लायर्स भी बोलते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो वो क्रेडिटर्स, वो सप्लायर्स जो कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ये जो कंपनी की लायबिलिटी है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लायबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, कंपनी की लायबिलिटीज कुछ खराब नहीं है, कंपनी की लायबिलिटीज भी ठीक ही है। और साथ ही अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो वो सिर्फ 99 करोड़ रुपीज की है। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी बैलेंस शीट है। तो दोस्तों, फर्स्ट पैरामीटर हमने देखा बैलेंस शीट, और कंपनी की बैलेंस शीट थम्स अप है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है। नेक्स्ट पैरामीटर है कैश फ्लोस। आप स्क्रीन पर कैश फ्लोस के नंबर देख सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कंपनी ने बिजनेस से 2018 में अच्छा कैश फ्लो जनरेट किया। कंपनी ने अच्छा कैश फ्लो जनरेट किया, इस कैश फ्लो से कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की जरूरतों को पूरा किया। साथ ही कंपनी के पास ओपनिंग कैश बैलेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो दोस्तों, 2018 का कैश फ्लो कंपनी का बहुत अच्छा कैश फ्लो है। 2019 के नंबर्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2019 में भी सेम कहानी रिपीट हुई, कंपनी ने अपने बिजनेस से बहुत अच्छा कैश जनरेट किया। इसी कैश फ्लो की मदद से कंपनी ने अपनी इन्वेस्टिंग और अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पूरी की, और कंपनी के पास यहां भी ओपनिंग कैश बैलेंस बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, कंपनी अपने रेवेन्यूज को, अपने मार्जिन को बहुत अच्छी तरीके से कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है। तो दोस्तों, दूसरा पैरामीटर हुआ कैश फ्लोज, जो कि बहुत अच्छा पैरामीटर है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि है इनकम स्टेटमेंट। आप स्क्रीन पर पिछले 2 साल के रेवेन्यूज के नंबर और मार्जिन के नंबर देख सकते हो। 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा जरूर है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं रही है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 8% के करीब है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखे तो वो 50-53% के करीब है, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रॉस मार्जिन है। कंपनी के नेट मार्जिन देखे तो 14-15% के करीब है, जो कि एक अगेन बहुत अच्छा नेट मार्जिन है। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट को मैं समराइज करूं तो रेवेन्यू ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं लगी, ग्रॉस मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, नेट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। अब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के हम 2 क्वार्टर्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन पर आपको क्वार्टरली कंपैरेटिव नंबर्स दिखाए हैं। आप स्क्रीन पर कंपैरेटिव नंबर्स देख सकते हैं। यहां कंपैरेटिव रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 4-5% के करीब हुई है। ग्रॉस मार्जिन देखें तो वो अगेन 50-53% के करीब है, और नेट मार्जिन देखें तो 15-18% के करीब है। तो दोस्तों, जब मैंने क्वार्टरली नंबर्स देखे तो मुझे यही पता चला कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट ग्रोथ हमें दे रही है। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स अगेन अच्छे हैं, कंपनी के नेट मार्जिन्स अगेन अच्छे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट देखूं तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, कंपनी के मार्जिन्स अगेन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, हमने बात की बैलेंस शीट की, कैश फ्लोज की और इनकम स्टेटमेंट की। यहां से मुझे यही समझ में आया कि बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, इनकम स्टेटमेंट भी अच्छी है, बट रेवेन्यू ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अब मैंने प्लॉट किए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न दिए। आप पिछले 4 साल के शेयर प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2016 का मैंने लोएस्ट शेयर प्राइस रिकॉर्ड किया है स्क्रीन पर, और बाकी के सालों के आप हाईएस्ट शेयर प्राइस देख सकते हैं, यानी कि उस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस आप इस शेयर का देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 2016 में इन्वेस्ट किया होता और 2017 में पैसे निकाल लिए होते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, और अगर 2018 में निकाले होते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, 2019 में निकाले होते तो कितना रिटर्न मिलता, ये सब रिटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिटर्न देखने के बाद आपको यही पता चलेगा कि ये कंपनी ने 200% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। तो दोस्तों, कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद मुझे यही लगता है कि कंपनी इतनी अच्छी कंपनी नहीं है निवेश करने के लिए। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं है, और
कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ज्यादा अच्छा रिटर्न दे भी नहीं पा रही है। कंपनी का शेयर प्राइस भी कुछ कम नहीं है, कंपनी का शेयर प्राइस करीब 2000 के करीब है। तो दोस्तों, मेरी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस यही कहती है कि इस स्टॉक में हमें निवेश नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक नहीं है निवेश करने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपके पैसे डूब जाएंगे अगर आप इस स्टॉक में निवेश करोगे तो। आपके पैसे सेफ है, आपके पैसों को कुछ नहीं होगा, बट ये स्टॉक आपको कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस HUL स्टॉक के बारे में। मेरी राय यही रहेगी कि आप इस स्टॉक में निवेश मत करिए, आपको इस स्टॉक से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। मैं चाहती हूँ आप भी मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस स्टॉक के साथ। अगर आपने पैसे निवेश किए तो आपको कितना रिटर्न्स मिला है इस स्टॉक से। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।